किस आधार पर लिया निर्णय, क्या थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, विधायकों को अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र स्पीकर का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है। नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना करार दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को करारा झटका लगा है। कई लोगों ने इस नतीजे पर नाराजगी जताई तो कुछ ने तकनीकी मुद्दे उठाकर नार्वेकर की आलोचना की है। निर्णय किन तीन कसौटियों के आधार पर दिया गया है, क्या थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, TV9 मराठी को दिए इंटरव्यू में नार्वेकर ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। राहुल नार्वेकर ने कहा है कि कौन क्या आरोप लगाता है, यदि मैं यह सोचूं कि इस परिणाम से किसी भी को लाभ होगा या नहीं, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, तो मैं न्याय की भावना से कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नतीजे पर ध्यान नहीं दिया, मैंने जो निर्णय दिया वह स्पष्ट एवं वैधानिक है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि प्रत्येक निर्णय के लिए मानदंड कैसे निर्धारित किए गए और इसके पीछे क्या कानून है, इसलिए जिन लोगों को इस आदेश पर संदेह है, जो संतुष्ट नहीं है, उन्हें दिखाना चाहिए कि इस आदेश में ऐसा क्या है जो कानून के विपरीत है या फिर यह जो स्थापित मानक है उसके विपरीत है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार लिया फैसला। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किसी की अपेक्षाएं क्या थी, परंतु यदि कोई कानून के अनुसार अपेक्षित परिणाम होगा तो कानून के अनुसार वही होगा। अब अगर हम इस फैसले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि तय करें कि मूल राजनीतिक दल कौन सा है, मूल राजनीतिक दल का निर्धारण कर उस राजनीतिक दल की इच्छानुसार को मान्यता प्रदान करे, यह तय करने के बाद अयोग्यता के गुण दोष पर निर्णय ले, यानी तीन चरण की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब पहला चरण क्या है और मूल राजनीतिक दल कौन सा है। साफ था कि एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे का गुट दोनों मांग कर रहे थे कि शिवसेना उनकी 21 जून 2022 को यह राजनीतिक दल किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तय करने का आदेश दिया। राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मापदंडों के आधार पर फैसला लिया गया है, शिवसेना के संविधान के अनुसार लिया फैसला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने क्या मापदंड दिए, अब पार्टी के संविधान को देखिए, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को देखिए और देखिए कि विधायिका में ताकत किसके पास है। इन तीनों कसौटियों को एक साथ देखने के बाद आइए तय करें कि ये पार्टी किसकी है। इसके मुताबिक हमने शिवसेना के संविधान को आधार बनाया है जो चुनाव आयोग के पास था। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने 1999 के पार्टी संविधान को आधार बनाया, ठाकरे समूह ने 2018 में संविधान में किए गए संशोधन को आधार बनाया। चूंकि दोनों में विवाद है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार चुनाव आयोग से पूछा है कि 21 जून से पहले शिवसेना के लिए कौन सा संविधान लागू था। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 1999 का शिवसेना संविधान ही उनके रिकॉर्ड में है। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के पास उस व्यक्तित्व वाला कोई दूसरा संविधान नहीं है।